मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारी में लग गई है। लोकसभा चुनाव जो कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर होंगे, उसकी तैयारी बीजेपी जोर शोर से कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी रणनीति बना रही है, वहीं लगभग 100 भीतर घातियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी अब बीजेपी ने कर ली है। कौन है ये भीतर घाती और क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या रणनीति बीजेपी बना रही है, विस्तार से आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। 163 सीटों के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। सीएम बदल दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मध्य प्रदेश का सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया और उसके बाद से लगातार बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक समीक्षा बैठकों में तय हुआ है कि जिन भीतर घातियों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, अब बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्रवाई करेगी। इसको लेकर पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, अनुशासन समिति के प्रदेश संयोजक वेद प्रकाश शर्मा समेत दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में 40 जिलों के 100 भीतर घातियों की शिकायतों का परीक्षण किया गया। इसमें अब संबंधित जिला अध्यक्षों से फिर से रिपोर्ट ली जाएगी और साथ ही सभी भीतर घातियों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर चुकी है। 35 नेता ऐसे हैं जिन्हें पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल है। यहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक एक कदम मध्य प्रदेश में फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे में लगातार वो तमाम नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को नुकसान विधानसभा चुनाव में पहुंचाया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी के पदाधिकारियों का ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सख्त कार्रवाई ना की जाए और समझाइश देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार ऐसे तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की समीक्षा कर रही है जिनकी वजह से विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का नुकसान बीजेपी को कम से कम मध्य प्रदेश में ना हो। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।